दिल्ली क्या हर शहर के अंदर इस वक्त आज के दिन छठ पर्व मनाया जा रहा है। छठ पर्व इस वक्त पूरे शबाब पर है, क्योंकि जो छठ पूजा है उसको डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस वक्त हम हैं सोनिया विहार पे, जहां पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जो है पूर्वांचल के, वो मनोज तिवारी यहां पर अपने छठ जो श्रद्धालु हैं उन सबके साथ मनाने आए। मनोज जी देखिए, जिस तरीके से मनोज जी यहाँ पर जो श्रद्धालु वो हाथ उठाकर अभिनंदन कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष का, मनोज जी यहाँ पर छठ का पर्व अगर हम कहें कि एक महाकुंभ शुरू हो गया है आज छठ का, तो कैसा है? इसको आप किस अपने शब्दों में किस तरीके से बयां करेंगे? बड़े ही सहज भाव है। अरे पनिया के तीरे खड़ा बरती छठी मैया सुनी है जरूर, आदित्य मल सुनी है जरूर, सूरज बाबा सुनी है जरूर। निक होई बुद्धि और विवेकवा छठी मैया सुनी है जरूर, छठिया होई है जरूर। आप दर्शकों को किस तरीके से अंदाज देंगे छठ मैया के पे पर्व पे कि किस तरीके से वो आपस में भाईचारा करें और आपस में प्यार बनाए? सिर्फ एक मैं यहाँ पे गायक की बात कर रहा हूँ कि गायक किस तरीके से अपने अंदाज में लोगों को कहे। मैं आपको एक गीत सुना दूंगा, अरे पावन जल से करा सब पावन संसार है मैया, ये छठी मैया तो हरे बल से चले संसार ये मैया, ये छठी मैया तोहरे बल से चले संसार हे मैया। सूर्य के उपासना में जूटल बा देखो जवार हे मैया, ये छठी मैया तोहरे बल से झूमे संसार ये मैया। आप देखो उधर कैमरा दिखाओ, मैं यहीं से नमस्ते करता हूँ और सब कोई नमस्ते करेगा, सब कोई करेगा। ये क्या है? ये छठ भाव है, उस भाव को प्रणाम करो। राहुल गांधी जी की सही में बुद्धि मारी गई है, और अब तो मुझे लगता है कि अगले साल सोनिया जी को जरूर छठ करना चाहिए ताकि इनकी बौरा ही खत्म हो। ये थे मनोज तिवारी जी, जिस तरीके से छठ पर्व मनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि राजनीति के अंदर भी अब प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि लोगों के अंदर जो राजनीति के अंदर देश भाव है वो खत्म हो जाए। कैमरामैन सूर्य के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।